क्या क्या हमने अभी अभी अर्थक्वेक का अनुभव किया? पर ये कैसे हुआ और आखिर अर्थक्वेक है क्या? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी की सतह एक जिग्सॉ पजल जैसी है। जी हाँ, जमीन एक सिंगल पीस नहीं है। हमारी पृथ्वी का बाहरी आवरण बड़े बड़े टुकड़ों से बना होता है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब होता है, जो आमतौर पर महाद्वीप और महासागर के लिथोस्फीयर दोनों से बनता है। ये प्लेटें पहले की तरह एक साथ फिट होती है, लेकिन ये एक जगह पर अटकी नहीं होती है। ये पृथ्वी के मेंटल पर तैरती रहती है। पृथ्वी के क्रस्ट और कोर के बीच की परत मेंटल कहते हैं। पृथ्वी पर 7 मेजर प्लेट्स और कई छोटी प्लेटें मौजूद हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती रहती है। भूकंप तब होता है जब पृथ्वी के 2 खंड अचानक एक दूसरे से फिसल जाते हैं। जिस सतह पर वे फिसलते हैं उसे फॉल्ट प्लेन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र यानी कि हाइपोसेंटर कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थिति स्थान को एपिसेंटर कहा जाता है। जब गतिमान ब्लॉकों का बल खुरदरे किनारों के घर्षण पर काबू पा लेता है और यह चिपक जाता है तो स्टोर्ड एनर्जी मुक्त हो जाती है। यह एनर्जी एक तालाब पर तरंगों की तरह सेस्मिक वेव्स के रूप में सभी दिशाओं में बाहर की ओर विकीर्ण होती है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को हिलाते हैं और जब ये तरंगे पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है तो वे जमीन और उस पर मौजूद सभी चीज़ों को हिला देते हैं। अक्सर भूकंप कुछ जियोलॉजिकल फॉल्ट्स के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मुख्य कारण हैं। भूकंप के कई प्रकार हैं। टेक्टोनिक भूकंप, यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप है। यह आमतौर पर पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद प्लेटों की गति के कारण होता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वॉल्केनिक भूकंप, इस प्रकार के भूकंप ज्वालामुखी के विस्फोटक से पहले या बाद में आते हैं। यह आमतौर पर मैग्मा के ज्वालामुखी से निकलने के कारण आता है, जो चट्टानों द्वारा सतह पर धकेला जाता है। ब्रीफ भूकंप, इस प्रकार का भूकंप अंडरग्राउंड माइंस में आता है। इसका मुख्य कारण चट्टानों के अंदर उत्पन्न होने वाला दबाव हो सकता है। एक्सप्लोजिव भूकंप, इस प्रकार का भूकंप कृत्रिम हो सकता है, जिसका यह अर्थ है कि मानव निर्मित गतिविधियों के द्वारा यह उत्पन्न हो सकता है। परमाणु विस्फोटक जैसे जमीन पर उच्च घनत्व विस्फोटक भूकंप का कारण बन सकता है। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सीस्मोग्राम कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। यह एक लघुगुणक आधारित स्केल होता है, जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक मापता है। भूकंप से क्या असर होता है? झटके और भूमि का फटना भूकंप के मुख्य प्रभाव है, जो मुख्य रूप से इमारतों व अन्य कठोर संरचनाओं कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। भूकंप का परिणाम इस बात पर आधारित है कि वह स्थान एपिसेंटर से कितनी दूरी पर है। भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन पैदा कर सकता है, जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण होता है। एक भूकंप के बाद
किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने से आग भी लग सकती है। यदि जल का मुख्य स्रोत फट जाए या दबाव कम हो जाए तो एक बार आग शुरू हो जाने के बाद इसे फैलने से रोकना कठिन हो जाता है। मिट्टी द्रवीकरण तब होता है जब भूकंप के झटकों के कारण जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता को खो देते हैं और सॉलिड से लिक्विड में रूपांतर हो जाता है। मिट्टी द्रवीकरण कठोर संरचनाओं जैसे इमारतों और पुलों को द्रवीभूत में झुका सकता है या डुबा भी सकता है। समुद्र के भीतर भूकंप से या भूकंप के कारण हुए भूस्खलन के समुद्र में टकराने से सुनामी आ सकती है। यदि बाढ़ क्षतिग्रस्त हो जाए तो बाढ़ भूकंप का द्वितीय प्रभाव हो सकता है। भूकंप के कारण भूमि फिसल कर बांध की नदी में टकरा सकती है, जिसके कारण बांध टूट जाता है और बाढ़ आ सकती है। भूकंप रोग, मूलभूत आवश्यकों की कमी, जीवन की हानि, उच्च बीमा प्रीमियम, सामान्य संपत्ति की क्षति, सड़क और पुल का नुकसान और इमारतों को ध्वस्त होना या इमारतों के आधार का कमजोर होना, इन सब का कारण हो सकता है। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? मकान, दफ्तर या किसी इमारत में अगर आप मौजूद है तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आए, खुले मैदान की ओर भागे। भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं है। किसी बिल्डिंग के आसपास न खड़े रहे। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही अच्छा होता है। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। घर की सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और तुरंत उतर पाना मुमकिन न हो तो बिल्डिंग में मौजूद किसी मेज, ऊंची चौकी या बेड के नीचे छिप जाएं।